तो सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं मनदीप ब्लॉग्स। तो आज हम इस वीडियो में हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है जो कि है एंगल ग्राइंडर रिव्यू के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में आपको इसका रिव्यू भी दूंगा और इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे और हार्ड टेस्टिंग करेंगे, और साथ में आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही बजट में मिलने वाला एंगल ग्राइंडर है। 4 इंची 100 mm का ये एंगल ग्राइंडर है। तो पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। जब तक मैं बॉक्स खोलता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी मुझे बताएं। बाकी ये जो एंगल ग्राइंडर है, फ्लिपकार्ट और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही बजट में ये एंगल ग्राइंडर है। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, बाद में फर्दर आगे की बात इसकी करेंगे हम। तो इस तरह ये हमें बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग के बॉक्स में मिलता है दोस्तों। और बॉक्स को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, 100 mm का ये एंगल ग्राइंडर है। तो उसके बाद हमें मिलता है एक सेफ्टी कवर, एक स्टेबिलिटी के लिए हैंडल, एक इसके ब्लेड के चक को खोलने के लिए और कसने के लिए हमें मिलती है एक की साथ में, और ये रहा दोस्तों हमारा मेन यूनिट। तो साथ में हमें दो ब्लेड्स बिल्ड स्किल की तरफ से इसके साथ एंगल ग्राइंडर के साथ ही मिलते हैं, तो इनको ही लगा के हम टेस्ट करेंगे। तो एक बार हम बॉक्स को कर देते हैं साइड पे। तो दोस्तों, ये रहा एंगल ग्राइंडर जो बिल्ड स्किल ब्रांड की तरफ से आता है। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी में ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 830 वॉट की जो इसकी मशीन है, 830 वॉट की इसमें मशीन हमें मिलती है, और जो इसका आरपीएम है वो 11,000 आरपीएम पे ये रोटेशन करती है विदाउट एनी लोड, जब हम कोई वर्क नहीं कर रहे तब उस टाइम। बाकी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो इसमें हमें पावर कॉर्ड मिलती है, इसकी लेंथ की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर की ये कॉर्ड है, 6 फीट की ये कॉर्ड है, और काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी की ये कॉर्ड है। और हमें इसमें स्टैंपिंग मिल जाती है यहाँ देखने के लिए, और हमारे जो इंडियन स्विचेस हैं उन हिसाब से इसका जो प्लग है वो बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये वाला, तो यहाँ से बड़ा ईजीली हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जैसे हम कॉर्ड की बात कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसके कॉर्ड की, तो जो इसका प्लग भी है वो इंडियन जो स्विचेस हैं हमारे उनसे कंपेटेबल प्लग है। तो कॉर्ड की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर है, और फीट्स में बात करें तो 6 फीट की इसकी वायर की जो लेंथ है, तो जिससे हम थोड़ी हमारी काम करने की रेंज बढ़ जाती है इसके साथ। और इस तरफ देखें तो हमें बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग मिल जाती है बिल्ड स्किल की, और इस तरफ भी हमें बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है, जो हमें ये हमें यूज़र मैनुअल में जो फ्यूज़ दिख रहे हैं साथ में, तो ये फ्यूज़ लगाने के लिए ये ऑप्शन है। और बात करें, ये प्लास्टिक पार्ट है सारा, बट बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट है। तो हेड की बात करें तो काफ़ी मतलब मशीन भी काफ़ी हैवी है वेट में। तो अभी मैं आपको इसको एक बार असेंबल करके दिखाऊँगा, तो उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 830 वॉट की इसमें मोटर है, और काफ़ी बजट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वैसे इसका प्राइस जो है वो 3500 के तकरीबन है, बट ऑफर चल रही है फ्लिपकार्ट पे, ये इसका जो प्राइस मैंने अभी देखा है वो 1249 रुपये इसका प्राइस है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर भी। अगर आप फ्लिपकार्ट से नहीं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ पे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसको कंप्लीट असेंबल करके दिखाता हूँ दोस्तों कि इसको कैसे हम प्रॉपर फिट करेंगे। तो असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम जो हमारी सेफ्टी प्लेट है, तो जैसे इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, तो उसी तरह इस प्लेट में भी हमें, आप ब्लैक कलर है आपको शायद नहीं नज़र आ रहा होगा, तो हमने यहाँ पर इसको इसमें सीधा फिट कर देना है, और स्क्रू को हमने यहाँ पर टाइट कर देना है।
और उसके बाद इस तरफ भी हमें हैंडल लगाने की ऑप्शन होती है और इस तरफ भी हमें ग्रिप के लिए हैंडल लगाने की ऑप्शन होती है। तो मैं इस तरफ इसको फिट कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने हैंडल को इस तरफ फिट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें करेंगे इंस्टॉल हमारे ब्लेड को। तो ये मैंने पहले यूज़ करके देख लिया था, तो मैं आपको एक बार इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो ये इजीली हम इसको बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये हमारी की है। तो ये जो दोस्तों पॉइंट है, इसको हम इस तरह प्रेस करेंगे अंदर और एक बार चक को घुमाएंगे, तो ये चक हमारा यहाँ पे लॉक हो गया। और इन जो होल्स हैं इनमें हम अपने इसको डालेंगे और इसको लूज़ कर लेंगे। इसको लूज़ करने के बाद हम यहाँ पे ब्लेड को फिट करेंगे सीधा और इसको टाइट कर देंगे। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें एक साइड फ्लैट है और एक साइड थोड़ी सी ऊपर है, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों क्लॉकवाइज इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे और वी आर रेडी टू गो। हम किसी भी काम के लिए इसके साथ तैयार हैं। तो अब ग्रिपिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रिप बनता है इसके साथ, आप देख सकते हैं। तो अब वीडियो में हम आगे दोस्तों इसको टेस्ट भी करेंगे। तो मेरे पास पीवीसी पाइप और आयरन रॉड्स हैं, तो उनके साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। तो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पे अभी तक हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये थी वीडियो इसके बारे में, बिल्ड स्किल के एंगल ग्राइंडर के बारे में। तो आपने जैसे देखा, हमने काफ़ी हार्डली इसको चेक भी किया, अभी हमने पीवीसी पाइप भी काटा और जो हमारे पास लोहे का पार्ट था उसको भी हमने काट के देखा। तो वर्किंग में काफ़ी इजी है और काफ़ी 830 वॉट की मोटर है, तो कोई किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं है। और इस चेक में भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाय है। अगर आपने घर के लिए या छोटे मोटे काम के लिए इसको अपनी शॉप के लिए वर्कशॉप पे यूज़ करने के लिए लेना है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर आप इसी तरह की टूल्स की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे पास, मैंने यहाँ पे आई बटन में टूल्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें काफ़ी टूल्स का मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पर, वो सारी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी टूल्स का मैंने रिव्यू किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे किसी यूनिक टूल का रिव्यू। टिल देन गुड बाय।